देखिए भिंडी, ये हमने इनको धो के पोंछ के और काट लिया इस तरह से। इसके हमने सारे बीज निकाल दिए हैं, ये देखिए कोई बीज नहीं है। और इसमें मसाला और बेसन मिला के इसको कुरकुरी भिंडी बनाएंगे। ये हमारी भिंडी, अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्ची और डालेंगे ये धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे और थोड़ा डालेंगे गरम मसाला, और इसमें डालने हैं हम ये बेसन। और अगर आपको खट्टी चाहिए तो थोड़ा आमचूर या नींबू कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और हम इस तरह से इसको कर देंगे मिक्स। ये देखिए भिंडी के ऊपर अच्छे से मसाले और बेसन चिपक गया, देखिए। अब इसको तेल गरम करके इसको करेंगे फ्राई, जैसे पकौड़ी फ्राई करते हैं इसी तरह से इसको, और कुरकुरा होने तक इसको भूनेंगे। पहले तो ऐसे ही हो जाता, पानी छूट जाता है, तो अगर नहीं थोड़ा ज़रूरत पड़े दो चार बूंदे पानी की डाल के और अच्छे से इसको मिक्स करके और इसको तैयार कर लो। बहुत अच्छी कुरकुरी भिंडी बनती है, इस तरह से बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे सब मांग मांग के खाएंगे, पूरी थाली चट हो जाएगी। ये देखिए जो भिंडी नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे पकौड़ियों के तौर पे। ये देखिए, ये देखिए तेल गरम हो, हम इसको ऐसे डाल के ऐसे फ्राई, थोड़ी थोड़ी डालना, एकदम ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी डाल के इसको हिला हिला के फ्राई कर। ये देखिए धीरे धीरे ये कुरकुरी होती जा रही भिंडी हमारी, ये देखिए बहुत अच्छी लगती है खाने में, देखिए बहुत स्वादिष्ट बनती है इस तरह से अगर बनाएंगे आप भिंडी। ये देखिए हमने ये निकाल ली, कुरकुरी हो गई, और इसमें अब डाल दी हमने दूसरी बार, ये देखिए, और इसको भी इसी तरह से करेंगे फ्राई। जब भिंडी हम इसमें डालते हैं तो तेज गरम तेल होता है, गैस तेज होती है, और थोड़ी देर बाद गैस थोड़ी सी डिम कर देते हैं कम, ताकि ये गले नहीं, अच्छे से कुरकुरी हो जाए धीमी आँच में। ये थोड़ी और रहेगी, देखिए मेरी भिंडी, ये देखिए आवाज़ आ रही कितनी मस्त बनी हुई है, ये देखिए तोड़ के भी दिखाएंगे, देखो कैसे तोड़ती है। देखिए ये भिंडी हमारी बन के तैयार हो गई, कुरकुरी देखें कितनी आराम से टूट रही है। ये देखिए भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, और अगर इस पर चाहो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो सारा इसमें मसाला पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, चाय के साथ भी खा सकते हैं इसको, और एक स्टोर करके भी रख सकते हैं, दो चार दिन बाद में भी खा सकते हैं इसको। देखो ये है एकदम से टूट रही है, बहुत अच्छी भिंडी बनी हुई है। इस तरह से आप एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, देखिए आराम से टूट रही है। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।